अस्सलाम वालेकुम फूडी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला मूंग दाल की रेसिपी। जब आपका कुछ लाइट खाने का मन करे तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने आधा कप मूंग दाल ली है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए धो के भिगो दिया है। अब हम एक पतीली में थोड़ा सरसों का तेल गरम करेंगे। आप नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से हमें गरम कर लेना है। तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें एक छोटी प्याज चॉप की हुई ऐड करेंगे और इसे गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी प्याज गोल्डन हो रही है तब तक हम एक मसाला तैयार करके ले लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए एक मिक्सी जार में हम एक छोटी प्याज स्लाइस की हुई और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे और इसी के साथ हम थोड़े सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा ऐड करके इसे हम फाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। फ्रेंड्स, ये दाल थोड़ी चटपटी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, मसाला हमारा तैयार है और हमारी यहाँ पर प्याज भी लगभग हो गई है तो इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। अब हम अच्छे से इस मसाले को भून लेते हैं। ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी भी हम ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा पानी हम ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा मसाला जले नहीं और फिर से इसे हम पका लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मसाला मूंग दाल की रेसिपी को आप एज ए स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी मीठी चटनी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं एज ए स्नैक। अब मसाला भून चुका है तो इसमें मूंग दाल ऐड कर देते हैं और इसे हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को रोटी या पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे। जिस कप से आप दाल लेंगे उसी कप से आप पानी को भी ऐड करेंगे और इसे हम तेज़ आंच पर पकाएंगे जब तक इसका पानी रिड्यूस नहीं हो जाता और थोड़ा पानी रह जाए उतना ही हमें इसे तेज़ आंच पर पकाना है, जैसे आप अब वीडियो में देख सकते हैं। पानी डालने के बाद नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसे हम ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमने जब ढक्कन ढक दिया था तो आंच को हमने बहुत स्लो कर दिया था, यानी कि ये अभी दम पे पक रही है। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं तो इसे चेक कर लेते हैं। हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी जल्दी हमारी ये दाल बन के तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।